कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को दी मंजूरी। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपए की लागत से 6 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं और 10,523 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी स्वीकृति। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। यूपीए सरकार ने विरासत में मिली स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाया नॉन परफॉर्मिंग। श्वेत पत्र में 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था का जिक्र। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, कहा देश की प्रगति पर काला टीका है ब्लैक पेपर। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की सराहना की। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 किया पारित। विधेयक में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति एवं अनुसूचित जाति समूह में शामिल करने का प्रावधान। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। 27 फरवरी को होगा मतदान। आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा का करारा हमला, कहा इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की है जननी, कहा ईडी के डर से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी, कहा हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर बढ़ रहे हैं आगे। भारत म्यांमा के बीच मुक्त आवागमन समाप्त, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमा की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए किया गया फैसला। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50% पर रखी बरकरार। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में भारत के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान पर दर्ज की एक विकेट से रोमांचक जीत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू करने का फैसला किया गया। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मछुआरों से जुड़ी इस नई योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। आज जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा आय में बल मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन बुनियादी ढांचा विकास निधि यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। जो
एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है, और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी, और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जो स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं उनकी नीलामी को मंजूरी दे दी। स्पेक्ट्रम की इस नीलामी से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता के लिए कवरेज में सुधार होगा। देश में टेलीकॉम सेवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा, और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 हो रही है तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो अब उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था जो बचा है उसमें से, अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी पर एक्स पर लिखा, रेलवे क्षेत्र से संबंधित आज के कैबिनेट के फैसले से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। वहीं कैबिनेट के फैसले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में 12,343 करोड़ रुपए की 6 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में आज श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले गिनाए गए हैं। कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी, और आइए आपको दिखाते हैं श्वेत पत्र की बड़ी बातें। 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का इसमें जिक्र है। यूपीए के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा हुआ। राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय संकट की ओर धकेला। सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए कम धन खर्च हुआ। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। घोटालों, नीतिगत खामियों ने अर्थव्यवस्था को जर्जर किया। महत्वपूर्ण सुधार लागू करने में विफल। निवेश का निराशाजनक माहौल, विदेशी निवेशक हुए दूर। नेतृत्व का अभाव, आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को किया कमजोर। 2014 में मोदी सरकार ने शुरू की आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया। पेपर टू बी लेड टेबल, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्वेत पत्र पर पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला बोला।
सदन में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में 10 सालों तक इनके काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के लाए गए श्वेत पत्र में कांग्रेस के काले कारनामे दिखते हैं। काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे भाई, जिन्होंने 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयां छुई, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से खत्म कर दिया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था रखी। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में 10 साल तक इनके इन काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो। लेकिन देश का जितना नुकसान कांग्रेस ने यूपीए की सरकार ने किया, ये श्वेत पत्र में साफ दिखता है। हमने देश हित में इनका काला चेहरा देश के सामने नहीं रखा। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ने 57 पन्नों का ब्लैक पेपर जारी किया है। इसके जरिए कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की विफलताओं को सामने रखा। इसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने सुबह मौजूदा सरकार के समय अर्थव्यवस्था के आंकड़े रखकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। इस पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में चुटकी भी ली। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न रख जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। कांग्रेस द्वारा ब्लैक पेपर जारी करने पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस दल ने काले कारनामे किए हैं वही ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। ने काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर। लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उम्मीद की जाए? प्रधानमंत्री ने अपने दोनों सदनों के भाषण में एक एक चीज आंकड़ों से रखा है। श्रद्धावना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक एक आंकड़े से रखे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी से करप्शन के मामले में लगातार सवाल पूछ रही है, वहीं अब पार्टी फिर से आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रही है। संसद में लाए गए श्वेत पत्र में देश के आर्थिक हालात पर यूपीए के समय और मौजूदा दौर का तुलनात्मक आंकड़ा भी सामने रखा गया है। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यसभा का नजारा गुरुवार को बिल्कुल बदला बदला सा था, जब सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे की सराहना की। अवसर था राज्यसभा सांसदों की विदाई का। इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ कर माहौल को भावुक बना दिया। पेश है हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच अमूमन टकराव ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते जब सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर एक हों।
राज्यसभा में एक नजारा ऐसा देखने को मिला जब तमाम विरोधाभास के बावजूद सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने की बजाय तारीफों के पुल बांधे। मौका था राज्यसभा सांसदों की विदाई का। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर सराहना की। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटा कसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। जब बारी नेता प्रतिपक्ष की आई तो उन्होंने भी पीएम के सुर में सुर मिलाई। मनमोहन सिंह जी का वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने अच्छी काम की, इसकी जो सलाना या उसकी जो तारीफ की उसी लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती है वो गिनते जाओ। वाकई विदाई के मौके पर राज्यसभा का नजारा बदला बदला सा था, क्या सत्ता क्या विपक्ष, हर एक सांसद भावुक थे और अपने संस्मरणों को साझा कर लोकतंत्र में जीवंतता का रंग भरते नजर आए। 12 साल की यानी कि 12 इयर्स की इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं समझा हूँ, मेरे से हो सका इतना दिया है। कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती, अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ आकर बहुत सीखने को मिला है, बहुत मित्रताएं हुई हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, और इस सदन की गरिमा शालीनता को मैंने आत्मसात किया है। राज्यसभा के कुल 64 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। रिटायर होने वाले सांसदों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, जया बच्चन, सोनल मान सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रकाश जावड़ेकर और सुशील कुमार मोदी के नाम उल्लेखनीय हैं। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत अनेक वरीय मंत्री राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। सियासत में राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं, इसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिला राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की विदाई के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की जब बारी आई तो उन्होंने केसी त्यागी का जिक्र किया और यहां तक कि शरद यादव की भी उन्होंने तारीफ की। यह दिखाता है कि वाकई हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। कैमरामैन सौरभ और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज दिल्ली। राज्यों को कर का हिस्सा आवंटित करने के मामले पर विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इन आरोपों पर करारा पलटवार किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि पहले के मुकाबले अधिक पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। मुद्दों के अकाल से जूझ रहा विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने विधायकों सहित दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल के सीएम ने केंद्र सरकार पर राज्यों को कर का हिस्सा आवंटित करने के मामले पर भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं संसद भवन परिसर में डीएमके सहित सहयोगी दलों ने तमिलनाडु को राहत दिए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। Put up in the coast area. So these are the main aims of this station. The first aim is to see that flood relief fund is released immediately, as promised by Amit Shah, the Home Minister of India. He has promised that it will be done before 27th of January itself. He has not done it.
बीजेपी ने इन आरोपों पर करारा पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि कैसे पहले के मुकाबले अधिक पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ये जो सीपीएम कांग्रेस और डीएमके का एक क्या अनहोली अलायंस बना है, वो साउथ और नॉर्थ को बांटने का जो उनका राजनीतिक मकसद या राजनीतिक नैरेटिव वो चलाने की कोशिश में है, इस उसको आगे बढ़ाने के लिए वो आज जंतर मंतर आए हैं। और वो कर क्या रहे हैं, ये सब जो चल रहा है एक ढोंग है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ऑलवेज द डीएमके इज थिंक दैट नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आवर फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन मैडम ने कहा, शी टोल्ड दैट वी आर गिविंग द फंड टू द स्टेट्स अकॉर्डिंगली फॉर द रूल्स। भाजपा का कहना है कि केरल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई यह है कि केरल के हालिया बजट में टैक्स बढ़ाए जाने से लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% की, यूपीए काल में ये दर केवल 32% थी। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया। 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता केवल 70,838 करोड़ रुपए थी, जबकि 2017 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने केरल को 2,29,844 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी। इस तरह केंद्रीय सहायता में 300% का इजाफा दर्ज किया गया। केरल में केंद्र सरकार राजमार्गों, रेलवे और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। मोदी सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कितनी ही जन कल्याण योजनाएं केरल में चलाई जा रही हैं। जहां तक केरल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात है तो इस पर बार बार चिंता जताई जा चुकी है। 12वें वित्त आयोग ने केरल को उसके बढ़ते ऋण को लेकर चेतावनी दी थी। 14वें वित्त आयोग ने केरल को राजस्व घाटे वाले राज्यों में रखा था। इतना ही नहीं, 15वें वित्त आयोग ने केरल को ऋण के बोझ में बुरी तरह दबा राज्य करार दिया था। 2016 में केरल सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट ने माना था कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट के घेरे में है। केरला इज डूइंग ए पॉलिटिकल ड्रामा अहेड ऑफ द इलेक्शंस। During the last 8 years of Kerala's left front government, which came to power in Kerala saying that once we come to power, everything will be set right. Now 8 years have passed, they are going to face the Lok Sabha elections, they have no achievements to their credit. So naturally they have to do something to shift the blame. बुधवार को कर्नाटक सरकार के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली आकर प्रदर्शन किया था। इस बीच पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं कि केंद्र सरकार राज्य को फंड नहीं दे रही है और पश्चिम बंगाल वंचित है, बल्कि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य को जो धन आवंटित किया है उसे टीएमसी के नेताओं ने हड़प लिया है। गौरतलब है कि अब आंकड़ों के जरिए बीजेपी विरोधी दलों के दावे को खारिज कर रही है, साथ ही विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के आर्थिक कुप्रबंधन का मसला भी जनता के सामने रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव के मसले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रेस को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जितने समर्पित भाव से काम कर रही है उतनी अब तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक की खातिर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। साउथ के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार जितना समर्पित भाव से काम करते हैं कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। लोगों को बांटने के लिए कुछ पार्टी गलत प्रचार करते हैं। हमारा दृष्टिकोण में एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारे लिए सारी भारत एक है। हम भारत को जोड़ने वाला पार्टी है मगर कुछ तोड़ने वाला पार्टी, ये गलत प्रचार करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद से उत्तराखंड के अलावा देश भर में आदिवासी समुदाय ने भी इसका स्वागत किया है। विधेयक में आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान किए जाने को लेकर आदिवासी समुदाय ने सरकार का धन्यवाद दिया।
बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद से उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है। विधेयक में आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए इन्हें इससे बाहर रखा गया है। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों ने इसका स्वागत किया है। AUCC बिल के बारे में पहले से आदिवासी लोग का एक मांग था, हम लोग उसी बिल से बाहर में रखा जाए, गवर्नमेंट वही एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम लोग वही को धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे जनजाति लोगों के लिए, जैसे कि हमारे आदिवासी लोगों के लिए ख्याल रखा गया कि उन लोगों को इस बिल से दूर रखा गया और इस बिल से अलग रखा गया कि उनका जो अधिकार है उनका अधिकार का हनन होने नहीं दिया गया। एक बहुत बढ़िया बिल है। क्या है, हम लोग का जो भारतवर्ष का जो जनता का आइन है, जितना भी हमारा जो धर्म का आदमी है ना, सभी धर्म का एक ही आइन लागू होगा। हमारे उत्तराखंड सरकार ने जो UCC बिल पास की है और ये बिल में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति पर कोई नियम लागू नहीं होता है, इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों ने भी बिल पर खुशी जताई है। UCC कोड जो कि बना हुआ है, उत्तराखंड में जो बिल पारित हो रही है, उसके लिए मैं सरकार से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसमें विशेषकर जैसा कहा गया, विवाह को लेकर, संपत्ति को लेकर, जायज और नाजायज संबंध को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, ये सारी बातें जो कि जो ये बिल के अंदर आती है। इस बिल आने से पूरा देश में एक आयन एक देश ये चालू होगा और हम लोग जो जनजाति लोग है, अभी हम लोग उसके समर्थन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अभिनंदन जाना रहा है। उत्तराखंड में जो सरकार UCC सिविल कोड लागू किया है, उसमें देश के आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए UCC कोड से बाहर रखा गया है, इसके लिए भारत सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पर कहा कि उत्तराखंड की विधानसभा ने इतिहास रचा है। कल का जो दिन है 7 फरवरी 2024 का दिन, ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास बनाने का काम, इतिहास रचने का काम जहां उत्तराखंड की विधानसभा ने किया। उत्तराखंड की आबादी में लगभग 2.9% आदिवासी हैं, जिनमें जौनसारी, भुटिया, थारू, राजी और बुक्सा प्रमुख हैं। आजादी के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रील प्रभुपाद ने समूचे विश्व में वैष्णव मत और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के संदेश को प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में PM ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्होंने भी वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने का उनको भी अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नए भारत में विकास और भक्ति को साथ साथ देखा जा सकता है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। श्रील प्रभुपाद का जीवन, अध्यात्म की चेतना, भक्ति का सार, श्रीमद् भागवत गीता का प्रसार और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। गौड़ीय मिशन की स्थापना हो या इस्कॉन की स्थापना, उन्होंने कृष्ण भक्ति के जरिए जीवन आनंद की प्राप्ति का मार्ग दुनिया को बताया। चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियों समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है।
श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर यह देखने को मिलता है। श्री प्रभुपाद की जयंती का 150वां वर्ष समारोह दिल्ली स्थित प्रगति मैदान की भारत मंडपम में मनाया गया। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक टिकट और विशेष सिक्का जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति साधना के इस आनंद संकीर्तन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वैष्णव का वैश्विक आयोजन मंडपम की आभा को बढ़ा रहा है। चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहाँ लोगों को लग रहा है पर पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा था। प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वेदांत का अध्ययन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की समृद्ध भक्ति परंपरा और आध्यात्म शिव से जीव तक के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति तर्क और आधुनिकता ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम से लेकर काशी तक सांस्कृतिक विकास हो रहा है, वहीं आधुनिक युग के साथ देश का युवा कदम ताल भी कर रहा है। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों को साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन मथुरा अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। ये अमृतकाल का भारत है जो विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहा है। ये भारत है जो सबका साथ लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहा है। ये भारत का संकल्प है जहां चिंतन साझा है, जो राष्ट्र को देव मानता है और देव से देश का विकास करने की सिद्धि की ओर चल पड़ा है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजिम FMR खत्म करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम FMR खत्म करने का फैसला किया। देहरादून जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में उपद्रव के मद्देनजर देहरादून के DM और SSP की संयुक्त टीम ने सभी संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने घंटाघर से लेकर पल्टन बाजार
प्रिंस चौक तक के कई इलाकों का निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को और संवेदनशीलता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकरवाहा जंगल क्षेत्र में गुरुवार सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक विस्तार प्लाटून 2 और विस्तार प्लाटून 3 के माओवादियों द्वारा सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग शुरू की गई थी। फिर पुलिस सर्चिंग पार्टी की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। दोनों तरफ से लगभग 10 से 15 राउंड फायर होने की पुष्टि पुलिस ने की है। मुठभेड़ की घटना गुरुवार सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें मौके से कुकर बम और नक्सली टेंट समेत कई सामग्रियां बरामद की गईं। बालाघाट पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में गहन सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा बल के 300 जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि बुधवार को गढ़ी थाना क्षेत्र के रनवाही मराडबरा पटुआ सूपखार के जंगल क्षेत्र में 15 से 20 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कोबरा 207 और हॉक फोर्स की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग अभियान में निकली थी, लेकिन अगले दिन गुरुवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के 15 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं। योजना की किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इन पोर्टल की शुरुआत से किसानों को किस तरह फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है और यही वजह की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए तकरीबन 15 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। इसी योजना में अब कई तरह के नवाचार और तकनीकी कामों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा तकनीक और नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। आइए बात करते हैं सर, सारथी कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों जो नवीन तकनीकी नवाचार है, इनसे किस तरह फायदा मिलेगा इसे? देखिए, ये सतही तौर पर जुड़ने का एक कार्यक्रम है। किसान सीधे तौर से जुड़े, अपनी बातों को रखे, अपनी समस्या को रखे और उन्हें सही तरीके से सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाए और पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए ये सारा आज तीन पोर्टल यहाँ से लॉन्च किए गए और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अधिक लाभ किसानों को अपनी समस्या के समाधान के लिए मिलेगा। ये जो तीनों योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर 15 करोड़ किसानों का जुड़ना एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करना है, इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी संपर्क बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? यह संवाद का एक माध्यम है। आज डिजिटल युग है, डिजिटल युग में यदि कोई भी समस्या बताता है तो वो वॉइस डेटा के रूप में भी आ जाता है, डेटा के रूप में भी आ जाता है और इंटरैक्ट करने के लिए विजुअल डेटा भी आ जाता है। तो इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो प्रत्येक किसान के लिए प्रतिबद्ध है माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, आपने जिक्र किया तकनीकी नवाचार, लेकिन जिस तरह देश की भौगोलिक परिस्थितियां और विविधता में एकता के जरिए भाषाई जो विविधता है उसको देखकर इसमें अलग अलग भाषाओं, प्रत्येक भाषा में ये जो हमारा पोर्टल है वो सुविधा प्रदान करे, इसकी विशेषता है। इस पोर्टल के माध्यम से, सारी भाषाओं के माध्यम से जो हमारे भारत की भाषाएं हैं और भूमि, समतल भूमि हो, पहाड़ी भूमि हो, पठारी भूमि हो, उन सारे जगहों में उसके भौगोलिक आधार पर जो सूचनाएं चाहिए वो सारी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध हो। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सारथी कृषि रक्षक पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी से एक और जहां किसानों को इससे जुड़ने का फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर इस योजना को सरल और आसान बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ने का प्रयास होगा। पी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार मेले की थीम बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा रखी गई है। पुस्तक मेले का टिकट 20 मेट्रो स्टेशनों पर खरीदा जा सकेगा। इसमें बच्चों के लिए जहां ₹10
और वयस्कों के लिए 20 रुपये टिकट रखा गया है। यूनिफॉर्म में स्कूली विद्यार्थी, दिव्यांग जन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। इस बार करीब 15 देशों के प्रतिनिधि मेले में शामिल होंगे और सऊदी अरब को मेले में सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। और क्या खास रहेगा इस बार के विश्व पुस्तक मेले में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष और निदेशक से। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आरंभ होने जा रहा है। क्या खास रहेगा इस मेले में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NBT के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद मराठे साहब। सब क्या खास होने वाला है इस बार? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर या नवी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कई प्रकार के कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, जो कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के सभी नागरिकों के बीच में वाचन संस्कृति को उत्पन्न करने के प्रयास में हमने ये आयोजित किए हैं। एक बड़ा चिल्ड्रन पैवेलियन होगा, जहाँ चिल्ड्रन बच्चे किताबें देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, स्टोरी टेलिंग सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं NBT के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक साहब। बार की थीम है बहुभाषी भारत जीवंत परंपरा। नई थीम को लेकर एक नया भव्य पवेलियन आपको देखने को मिलेगा। हर बार एक नया गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री होता है, उसके तौर पर भी आपको सऊदी अरेबिया गेस्ट ऑफ ऑनर आए, तो उनकी नई परंपराएं, साहित्य, ज्ञान, लेखक, प्रकाशक, पूरा मंडल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों की गतिविधियों को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया गया है, नई गतिविधियाँ ऐड की गई हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ को हमने काफ़ी स्केल अप किया और कंट्री के अलग अलग हिस्सों से पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग से, चाहे वो लद्दाख हो, शिलोंग हो, जम्मू हो, कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, उनके आपको कल्चरल डेलीगेशंस आपको वहाँ मिलेंगे। ये एक ऐसा मंच है जो पूरे देश को और पूरे देश के प्रकाशकों को और जो भी ज्ञानवर्धन की पुस्तकें हमारे पास हैं उसको प्रदर्शित करके पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व अवसर हर वर्ष हमें प्राप्त होता है और दुनिया भर के जो ज्ञान चाहने वाले लोग हैं वो विश्व पुस्तक मेले में आते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, और जो वो अपने जीवन में सीखना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने की पुस्तक इस मेले से प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पर पाठकों के लिए अपनी रुचियों को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और साथ में जो पब्लिशर हैं उनका काम और जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनका काम जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। 10 से लेकर 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम बहुभाषी भारत रखी गई है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, गीत, शुभंकर, जर्सी और मशाल को अनावरित किया। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी शामिल हुए। यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को विभिन्न खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच किया जाएगा। इन खेलों में एथलेटिक्स, रग्बी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती और योगासन जैसी स्पर्धाएँ होंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बात कही। असम पहले बहुत अच्छा से नेशनल गेम्स कर चुका है, साल्ट गेम कर चुका है और मेरा विश्वास है कि इस बार भी हम बहुत अच्छा से ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करूंगा और मैं भारतवर्ष का सारे विश्वविद्यालय में जो खिलाड़ी है सबको असम में आमंत्रण करूंगा कि आप लोग असम में आइए, हम आपको जितना संभव होगा सबसे अच्छा फैसिलिटी देने का कोशिश करेगा। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है इसको आप लोग सब दिखा सके, इसके लिए हम लोग एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने का कोशिश करूंगा। वहीं युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की मदद से भारत आज विश्व में एक खेल महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आज पूरा देश भर में खेल क्षेत्र की जो प्रगति हो रहा है, देश जिस तरह से एक स्पोर्टिंग नेशन की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की योगदान
देश की खिलाड़ियों की योगदान और भी मजबूत हो रहा है, मेडल की संख्या भी बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विकसित हो रहा है, भारत की खेल क्षेत्र भी विकसित हो रहा है और उसके साथ साथ भारत धीरे धीरे एक्सपोर्टिंग हब, एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 180 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हैरी डिक्सन ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, वहीं ओलिवर ने 49 रन का योगदान दिया। टॉम कैम्बेल ने 25 रन की पारी खेली। अंत के ओवरों में रेफ मैकमिलन ने नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। इससे पहले पाकिस्तान की टीम 48 ओवर 5 गेंदों में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और 79 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद अजान आवेश और अराफत ने पारी को संभाल रन बनाना जारी रखा। इस बीच अजान ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई, वो 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉम स्ट्रैकर ने 6 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।